दहेज की मांग इतनी हो चुकी है कि क्या ही बताऊं मैं। मुझे थोड़ा बहुत सर दर्द भी हो रहा है, लेकिन मैंने माता रानी की चुनरी लगा ली है। ये देखिए, वाह बहुत ही प्यारी लग रही है दोस्तों। क्या पता माँ मठाना मैं तो थोड़ा सदबुद्धि दे दियो। और ये रूम एकदम सोना साना सा लग रहा है दोस्तों। जय माँ मठियाना। दोस्तों आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त हों। दोस्तों आज मैंने कुछ इस तरह से किया कि हमारा रूम बहुत ही बेकार हो चुका है और ये रहे पूरे सिलाई के कपड़े दोस्तों। साथ ही साथ आपको पता ही होगा हमारे पहाड़ों में कि हमारे घरों में सिलाब बहुत ही ज़्यादा आती है, तो मुझे यहाँ की आज पूरी सफाई करनी है। और साथ ही साथ ये रहे मेरे पूरे सिलाई के कपड़े। दोस्तों हमारे पहाड़ी जुगाड़ जो होते हैं, देखिए शहरों में होता तो लोग सिलाई कपड़े के लिए कुछ और प्रबंध कर लेते, लेकिन हम पहाड़ी हैं दोस्तों, पहाड़ी हमारे जुगाड़ जी, हम पहाड़ी सा दोस्तों, तो हम पहाड़ी हिसाब से अपना काम करें। तो देखा दोस्तों जो हमारे गढ़वाल में जूड़ हूँ आप लोगों को पता ही बोलो, जो हमारे पहाड़ में रस्सी होंगी तो वो रस्सी मैंने यहाँ बांध देते पूरा किले वगैरह खोड़ी थे। जबकि मैं तो मेरे पापा को हाल भी करी कि किले किले खोड़ी मत तू इन्हें, लेकिन मैं फिर भी यू काम करी चाहिए। जय हो माँ भवानी। और माँ मठाना का नाम लेते मैं कंचन अपने रूम की सफाई, अपने कमरे की सफाई दगड़े हूँ। साथ ही साथ मैं ओढ़ छो मुंडा रो और मैं माता रानी की चुंदी भी बांध दी। अब मैं कर दो अपने घर की सफाई, मैं तो छो आप लोगों को अपना कमरा बढ़िया करी थे थोड़ी देर बाद। दगड़ियों देखा मैंने अपना रूम सजे ली प्यार सी और यहाँ मैं आज पूरी खाली हुई क्योंकि एक सामान हम सेट कर ली। तो यहाँ पर आप लोग उतर बैठना तो बोलो तो आप लोग भी हमारे घर में जरूर आया दोस्तों। आप लोग उतर भी बहुत मारी सामान दिल में जरूर आन हमारे माँ मठाना का दरबार में और साथ ही साथ भरदार पट्टी माँ। दोस्तों यह काम तो मैंने फाइनली ख़त्म कर ली, अब चल दो मैं दूसरे रूम की और क्या पता वक्त भी गंदगी हो। और साथ ही साथ दोस्तों आज मुझे थोड़ा बहुत सर दर्द भी हो रहा है, लेकिन मैंने माता रानी की चुनरी लगा ली है, अब मुझे बिल्कुल भी सर दर्द नहीं होगा, एकदम मस्त होगा, झकास होगा, स्वस्थ होगा शरीर। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है टीन का बक्स और ये बक्स आपको पता ही होगा हमारे पहाड़ों में जब पहले मतलब हमारी बिटिया मायका जाती थी यानी कि उनकी शादी होती थी और लोग दहेज में इसी बक्स पर सामान देते थे, देखिए और यही बक्स जाता था सारी जगह। और अब देखो दहेज की मांग इतनी हो चुकी है कि क्या ही बताऊं मैं, लोग ऐसा भी कर रहे हैं वैसा भी कर रहे हैं, इतना भी मांग रहे हैं इतना भी मांग रहे हैं, लेकिन पहले ज़माने में सिर्फ यही बक्स जाता था और ये मेरी नानी जी ने मेरी मम्मी को दहेज में दिया था ये बक्स, इसके पास थोड़ा सामान था। और देखो अब कैसा ज़माना बदल गया है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ दोस्तों हमारे यहाँ लंगूर और बंदर बहुत ही नुकसान करते हैं दोस्तों। हमारे घर में यहाँ लंगूर आ रखे थे, उन्होंने जो हमारा एंटीना होता है या डिश होता है देखिए ये तोड़ दिया है। और कंटर आपको पता ही होगा हमारे पहाड़ों में पहले कंटर पर सीमेंट भरते हैं और उसके बाद इसको रखते हैं ताकि हिले ना। और देखो पता लोग हम पैसे कैसे करते थे दोस्तों, इसको ऐसे 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 चार पाँच आप लोगों को पता ही होगा चार पाँच तो हम भी ऐसे ही करते थे। मैं ना मेरे भैया छत में जाते थे और मैं अंदर करती रहती अभी नहीं आया चार पाँच अभी नहीं आया चार पाँच हाँ आ गया दस ग्यारह तो ऐसा ही होता था दोस्तों। और इन लंगूरों ने ये हमारा एंटीना तोड़ दिया है, देखिए दोस्तों कैसे उन्होंने ये तोड़ कर उखाड़ फेंक दिया है और पुराना भी हो गया था काफ़ी, ये इन पर जंग भी लग गया था, लेकिन लंगूर को ऐसा नहीं करना चाहिए था दोस्तों। ये देखो उन्होंने पूरा एंटीना तोड़ दिया हमारा, क्या करें अब हम टी वी कहाँ से देखें। धीरे धीरे मनुष्य तो बड़ी दूर की बात दोस्तों, ये जानवर भी हमारे पुरानी चीज़ें नहीं रख रहे हैं, पता नहीं क्यों यार क्यों ऐसा कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखिए मोसट कितनी प्यारी सी धूप खिली हुई है और बहुत ही गर्म भी हो रहा होगा वहाँ पे क्योंकि वहाँ धूप खिली हुई है। ये रहा मोसट गांव और ये सड़क जा रही है सीधे सौंदा खाल में और ये देखिए पीछे रहा सौंदा खाल और ऊपर रहा हमारा घंडियाल डाना की चोटी, हल्का सा दिख रहा होगा घंडियाल डाना के मंदिर का। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले हमारा उरख्याला था जिसमें हम धान कूटते थे झंगोरा कूटते थे ये देखिए। और अब देखो पूरा कबाड़ भर चुका है इसमें और आज मैं इसे साफ करूँगी दोस्तों, कल मैं इसमें कुठाई करूँगी धान की यानी कि झंगोरे की कुठाई करूँगी। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा उरख्याला था हमारा और देखो अब कैसा हो चुका है, कबाड़ भर चुका है इसमें पूरा। मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने भाई के रूम में और ये रूम एकदम सोना साना सा लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे मैप है पूरे, मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू है और हर जगह अपने मैपों को ले जाता रहता है, तो घर भी आए हर जगह मैप ही देखिए।
और दोस्तों आज मुझे एक सब्सक्राइबर मिले अपने। हाँ, मैं घास के लिए जा रही थी ना, फ़ोन ही ले जा पाई क्योंकि आज मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था दोस्तों। तो वहाँ पर दीदी जी यानी कि मेरे सब्सक्राइबर मिले, बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। और उन्होंने कहा कि भोली वाली मैं तेरते ही था सपोर्ट कर लूँ नवल कि बहुत जा तो बहुत आगे पहुँच जाए। दोस्तों मिलाती हूँ मैं आपको अपने कंकोड़े के लगले से, और देखिए छोटे छोटे कंकोड़े भी लग चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, आय हाय बहुत ही मस्त सब्जी होती है कंकोड़े की, और फूल भी लग चुके हैं इसमें, हल्के हल्के फूल लग चुके हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फूल लग चुके हैं, और अब हम भी खाएंगे कंकोड़े की सब्जी। और ऊपर की साइड तो बहुत बड़े बड़े कंकोड़े लगे हुए हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं होते हैं जो कंकोड़े की सब्जी खाते हैं। तो हमारे कंकोड़े तो लगने लग गए हैं दोस्तों, आपको भी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आज मेरी दादी के घर में बहुत ही मधुमक्खियाँ आई, मतलब इतनी आई जैसे हम पहाड़ में डार बोलते हैं ना, डार कि बांदरों की डार, लुकवाणों की डार या फिर केई डार, सुंगरे डार, तो उसी तरह मधुमक्खी की डार भी यहाँ पर आई, बहुत ही ज़्यादा मधुमक्खियाँ आई। तो बोलते हैं हमारे पहाड़ों में कि जैका घर मधुमक्खी रहनी, जैका घर मधुमक्खी जानी, वो बहुत ही किस्मत वाल हुंदू, वह घर बिटिया हुनी, वह घर बिटिया राजी खुशी रहनी, वह घर में बिटी उतर बहुत मान सम्मान मिलता। दोस्तों आज मेरा दादी का खिड़की पर बहुत ही ज़्यादा मधुमक्खी हैं, किले हैं, क्योंकि आप तो जागा खोजो मधुमक्खी भी आप तो जागा खोजो नहीं, लेकिन वो मधुमक्खी ना हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम वो हाथ दिला ला तभी हम तो कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो आज मेरे दादी की खिड़की पर रहने बहुत ही ज़्यादा मधुमक्खी, तो बहुत ही प्यारा लगे मेरे दोस्तों। और मतलब हमारे घर में हम बेटिया थे यानी कि मैं तो बहुत ही मान सम्मान मिल दो, बहुत ही प्यार कर दें सब। तो दोस्तों मैं चाहूँ कि आप लोग भी मैसी यानी आशीर्वाद दे मैं ते यानी प्यार भरो रखो, हमेशा प्यार भरो आशीर्वाद दे दगड़ियों। तो राजी खुशी रान आप भी, राजी खुशी स्वामी भी, राजी खुशी रान आपका घरवार, राजी खुशी रान मेरो घरवार भी, माँ मठियाणा का आशीर्वाद सी दगड़ियों। दर्द होते इससे जोड़ों में तो दोस्तों, और मेरी मम्मी जा रही क्या अभी ताई जी के पास, मेरी ताई जी मतलब थोड़ा बहुत तेल मालिश करके उस दर्द को ठीक करते हैं, अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी, आपने मेरी माँ कितनी हेल्प की। और आपको तो पता होगा हम कोई भी इस दुनिया में कोई भी अपनी माँ को दुख में नहीं देख सकता, तो बिल्कुल हम भी नहीं देख सकते दोस्तों। तो यहाँ पर आ गई है मेरी बेस्ट फ्रेंड करीना। और बहुत ही सारी बार बहुत ही अच्छी लड़की है करीना, और यहाँ पर आई है करीना। तो करीना के पास बहुत ही ओल्ड मतलब जो हमारे पहाड़ की संस्कृति है, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिली। देखिए ये है पहाड़ी नथ, ये देखिए, और इसे पहन के बताती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ दोस्तों। ये देखिए कैसी लग रही है मुझ पर नथ, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है नथ, और बेस्ट भी है देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा झालर भी है इससे, साथ ही साथ बड़ी है, तो मुझे बड़ी नथ बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। और ये हमारी पहाड़ी संस्कृति है, और ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है दोस्तों, ये हमारे पहाड़ी संस्कृति का जो मतलब निशानी है वो है। और हमारे पहाड़ों में लोग शादियों में अक्सर नथ को ही पहनते हैं, आपने देखा ही होगा दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे।